मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे अमरकंटक की। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है और काफी खूबसूरत पर्यटन स्थल। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल में से एक है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टिक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफी पसंद आता है। अमरकंटक का बहुत सारी परंपराओं और किंवदंतियों से भी संबंध रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। माता नर्मदा को समर्पित यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं जिन्हें दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। मित्रों अमरकंटक में घूमने योग्य दर्शनीय स्थल काफी सारे हैं। उनमें से है नर्मदा कुंड मंदिर, धुनी पानी, दूध धारा झरना है, कर्जुरी काल के बहुत सारे पुराने मंदिर हैं, सोनमुड़ा जहां से सोन नदी का उद्गम स्थल जिसको कहा गया है, यह है सोनमुड़ा। यहां से एक पतली धार निकलती है, यहां से देखिए यहां से नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन अब छोटी सी धार यहां से निकलती है इसलिए बड़े रूप में यहां पर दिखाई नहीं देती नदी। यहां से इन पहाड़ों से गुजरते गुजरते और कई नदियों के मिलने से यह बड़ी नदी बन जाती है सोन नदी। काफी सारे लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं इस स्थल को देखने के लिए। दोस्तों हम आए हुए थे सोन नदी का उद्गम स्थल सोनमुड़ा अमरकंटक में। यह प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्थान और पहाड़ के तलहटी में बसा है यह स्थान सोनमुड़ा। मनो से आच्छादित यह क्षेत्र और काफी घने जंगल, अचानक मार्ग का जंगल कहा जाता है इसे। और नीचे यहाँ पर सोनमुड़ा के नीचे जस्ट गहरी खाई है और नीचे पूरे जंगल ही जंगल। माँ की बगिया है, कपिल धारा 100 फीट ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। दोस्तों मैं आया हुआ था कपिल धारा, ये ललित जी हैं, यहीं रहते हैं, अमरकंटक में ही रहते हैं और साथ में हमको यहाँ घुमाने लेकर आए कपिल धारा। मैं इनसे जानना चाहूँगा आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? 10 साल से। अभी जैसे यहाँ पानी का बहाव कम है तो किस मौसम में यहाँ पानी का बहाव तेज होता है? जून के महीनों से लेकर के अक्टूबर नवंबर पानी का बहाव ज्यादा होता है और टूरिस्ट भी उसमें शायद ज्यादा आते होंगे। टूरिस्ट उस समय बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये हमको यहाँ घुमाने लेकर आए और अमरकंटक के काफ़ी सारे प्लेसेस के बारे में बताया इन्होंने। हम गए इनके साथ और देखा, एंजॉय किया। कबीर चबूतरा है और सर्वोदय जैन मंदिर, ये काफ़ी विशाल मंदिर का निर्माण कंटिन्यूस 5 वर्षों से हो रहा है और काफ़ी विशाल मंदिर है सर्वोदय जैन मंदिर अमरकंटक में। और ज्वालेश्वर महादेव का मंदिर है। सबसे मुख्य है नर्मदा कुंड और नर्मदा मंदिर। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर, गंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसलिए शिव को जटाशंकर कहा जाता है। माना जाता है कि पहले इस स्थान पर बास का झुंड था, माँ नर्मदा निकलती थी। बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण करवाया गया। स्नान कुंड के पास ही रेवा नायक की प्रतिमा है। रेवा नायक के कई सदी पश्चात नागपुर के भोसले राजाओं ने
उद्गम कुंड और कपड़े धोने के कुंड का निर्माण करवाया था। इसके बाद 1939 में रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने मां नर्मदा उद्गम कुंड, स्नान कुंड और परिसर के चारों ओर घेराव और जीर्णोद्धार करवाया था। मित्रों, अमरकंटक काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की शान है। कभी भी आपका आना हो तो यहाँ सकते हैं। मित्रों, अमरकंटक जाने के लिए आप रेलवे मार्ग से अगर आएँ तो अनूपपुर स्टेशन पर उतर कर वहाँ से टैक्सी या बस सेवा ले सकते हैं। अनूपपुर से अमरकंटक की दूरी 80 किलोमीटर है। मित्रों, अमरकंटक जाने का मार्ग बस और रेलवे दोनों है। रेलवे मार्ग से अगर आप आते हैं तो अनूपपुर स्टेशन या पेंडा रोड स्टेशन पर उतर सकते हैं। अनूपपुर स्टेशन से 80 किलोमीटर दूर अमरकंटक है और पेंडा रोड स्टेशन से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर अमरकंटक स्थित है। दोनों ही सर्व सुविधा युक्त स्टेशन है और यहाँ से आपको छोटी गाड़ियाँ, टैक्सी आराम से उपलब्ध हो जाएंगी। मित्रों, घूमने योग्य उपयुक्त समय कौन सा है? वैसे तो उपयुक्त समय सितंबर से लेकर फरवरी तक माना गया है, लेकिन आप यहाँ अगर बरसात के मौसम में आएंगे तो यहाँ का मज़ा दोगुना हो जाएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ के झरने विशालतम स्वरूप में होते हैं और यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। तो अगर आप चुनें तो फिर अगस्त सितंबर वहाँ को चुनें घूमने के लिए, काफ़ी उपयुक्त स्थान और बरसात के मौसम में यहाँ का ही मज़ा आएगा। मित्रों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। चल पा रही मम्मी?